गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 9। टुडे टॉपिक इज इमोशनल डायमेंशन। प्रीवियस टॉपिक में अपन ने रीड किया था फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन एंड सोशल डायमेंशन। नाउ टुडे टॉपिक इज इमोशनल डायमेंशन, पेज नंबर 210। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। इमोशनल डायमेंशन इज रिलेटेड टू इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल डायमेंशन किससे, किस लिए इम्पोर्टेंट डायमेंशन? इमोशनल डायमेंशन इज रिलेटेड टू इमोशनल स्टेबिलिटी। किस पर डिपेंड करता है ये? इमोशनल स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। टू हैव इमोशनल स्टेबिलिटी इज एसेंशियल फॉर एक्सपेक्ट वन पर्सनैलिटी। इट्स मीन दैट वन मस्ट हैव प्रॉपर कंट्रोल ओवर वेरियस इमोशन सच एज फियर, एंजर, डिस्गस्ट, डिस्ट्रेस, एम्यूजमेंट, इंप्रेस। ऐसी पर्सनैलिटी जो कि अपने ऊपर वेरियस इमोशन, जैसे अपन कहते कोई डर से, कोई एक गुस्सा करना, डिस्गस्टिंग पीपल होते हैं कुछ, डिस्ट्रेस होना, अम्यूजमेंट, किसी चीज़ों को अम्यूज करना, हैप्पीनेस, इट डिफरेंट सिचुएशन एज फैक्ट, एज मैटर ऑफ फैक्ट मैनी स्पोर्ट्स पर्सन फील व्हेन दे आर विन बट स्टार्ट क्राइंग। कुछ ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो कि जीतने के बाद रोना स्टार्ट कर देते हैं, वो होते हैं इमोशनली। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैनी स्पोर्ट्स पर्सन फील व्हेन दे विन बट दे स्टार्ट क्राइंग। जैसे ही वो जीतते हैं कोई अपनी मेहनत से कुछ चीज़ को, कामयाबी उनको मिलती है, तो वो रोना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उसको मेहनत का फल मिलता है। अब्यूजिंग द एम्पायर और रेफरीज व्हेन दे लूज सिचुएशन शो वन इमोशनल स्टेटस। जब कुछ मैच हार जाते हैं या रेफरीज या एम्पायर्स को, वो अपनी भड़ास निकालते हैं या गालियां बकते हैं, अब्यूजिंग वर्ड से यूज करके उसको दिखाते हैं अपना इमोशनल स्टेटस। ऐसे लोग भी होते हैं जो गुस्सा करके अपना इमोशनल जाहिर करते हैं। Spontaneous outburst of such emotion is not accepted as sign of good personality. Spontaneous outburst, ये चीज़ें emotions में acceptable नहीं होती है good personality के अंदर। जैसे कि आप किसी को गाली करना, गलत वे में आप उसको मार धार करना, तो ये चीज़ें emotions में count नहीं होती और वो एक good personality का sign नहीं। It is a sign of immaturity. ये sign क्या होते हैं? इमेच्योरिटी। जो लोग इमेच्योर होते हैं वो लाइक ऐसे हरकत करते हैं, जैसे कि टीनेजर्स जो होते हैं, चलो ठीक है गर्मा गर्मी में लड़ लेते हैं, बट ये साइन नहीं है गुड पर्सनैलिटी के। इनफैक्ट वन शुड बी इमोशनली स्टेबल, इट इज इंग्रेडिएंट्स ऑफ बैलेंस पर्सनैलिटी। जो लोग इमोशनली स्टेबल हो जाते हैं वो क्या होते हैं? बैलेंस पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। In conclusion, it can be stated that personality is the overall impression that a person creates on others. किस पे डिपेंड करती है पर्सनैलिटी? ओवरऑल इम्प्रेशन पे डिपेंड होता है पर्सन के ऊपर कि वो क्या कर रहा है दूसरों के लिए। इन इट इज द इंटीग्रेटेड इमेज ऑफ द ऑल डायमेंशन, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्ट, सोशल एंड इमोशनल। इफ हैव इंडिविजुअल लैक्स ऑन वन ऑफ डायमेंशन, इट विल बी डेफिनेटली अफेक्ट ऑफ अदर डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। दिस डायमेंशन पुट टुगेदर मेक द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। टाइप ए पर्सनैलिटी क्या बोलती है? चार तरीके की पर्सनैलिटी को डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी। फर्स्ट, ए पर्सनैलिटी क्या बोलती है? द इंडिविजुअल विथ दिस टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी आर वेरी कॉम्पिटिटिव। ऐसे लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वेरी कॉम्पिटिटिव होते हैं। दे आर सेल्फ क्रिटिकल, वो अपने आप से लड़ते रहते हैं, मतलब अपने आप को ही क्रिटिकल बना लेते हैं। दे आर कैरेक्टराइज बाय हाई वर्किंग इन्वॉल्वमेंट, उनके जो करेक्टर तो हाई वर्किंग, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट में ज़्यादा होते हैं। दे आर इजिली एक्साइटेड एंड ओविंग टू दे डैट दे यूजअली फॉल प्रे टू हाइपर टेंशन। वो खुद ही ईजी वे में अपने आप को किस में ले जाते हैं? हाइपर टेंशन में ले जाते हैं, किसी वर्क लोड को लेकर वो हाइपर टेंशन के अंदर चले जाते हैं। दे एक्सपीरियंस अ प्रेजिस्टेंट एक्सेंस ऑफ अर्जेंसी, सो दे सीम टू बी ऑलवेज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द क्लॉक। वो अर्जेंसी रहते हैं, मतलब कुछ भी काम को करने के लिए अर्जेंसी रहते हैं, वो हमेशा ही क्लॉक के साथ स्ट्रगलिंग करते रहते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो घड़ी के साथ स्ट्रगलिंग करते हुए नजर आते हैं। दे क्विकली बिकम इम्पेशेंट विद डिलेज, वो खुद ही इम्पेशेंट हो जाते हैं देरी से। सच टाइप ऑफ इंडिविजुअल कैन इजिली बी अराउज टू एंजर्स हॉस्टिलिटी एंड एग्रेशन, दे आर मोर प्रोन टू अटैक। ऐसे लोग जो होते हैं वो इजिली गुस्से, जैसे गुस्से वाले लोग होते हैं, हॉस्टिलिटी टाइप्स के होते हैं, जैसे शत्रुता, शत्रुता टाइप के लोग होते हैं, एग्रेशन जल्दी कर लेते हैं, गुस्सा आना जल्दी रहता है। ऐसे लोग जो होते हैं पूर्ण अलाइनमेंट होते हैं, इनको हार्ट पेशेंट के ज़्यादा बीमारियां लगने के चांसेस होते हैं। टाइप बी पर्सनैलिटी, दैट इंडिविजुअल विद दिस टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी आर नॉट कॉम्पिटिटिव इन नेचर। ऐसी पर्सनैलिटी, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव इन नेचर
नहीं होते, दे आर इजी गोइंग एंड पेशेंट. ये लोग इजी गोइंग पेशेंस होते हैं, पेशेंट होता है इनके अंदर, पेशेंस होता है. दे यूजली डू नॉट बिकम एंग्री एंड हॉस्टाइल. ऐसे लोग जो होते हैं गुस्से वाले नहीं होते और शत्रुता वाले मतलब नहीं होते. दे आर एबल टू एक्सप्रेस देयर इमोशन अप्रोप्रिएटली. ऐसे लोग जो होते हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, बता देते हैं. दे आर एबल टू कोप विद स्ट्रेस एफेक्टिवली. दे आर नॉट ओवर अचीवर्स एंड ओवर एम्बिशियस इन लाइफ. ऐसे लोग जो होते हैं वो ओवर अचीवर्स नहीं होते, ओवर एम्बिशियस नहीं होते. दे आर यूजली क्वाइट सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ. ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी जीवन जैसा चल रहा है उसी में ही सेटिस्फाइड होते हैं. वो जैसा रहना चाहते हैं वो वैसे ही सेटिस्फाइड होते हैं. जैसे कि ऐसे लोग जो होते हैं अधिकतर, जैसे कि जैसा चल रहा है वैसा होने दो, हमको किसी से लेना देना नहीं है, हमको अपने पड़ोसी से मतलब नहीं. जो हमारे साथ हो रहा है, जब हम कमा के खा रहे हैं उन्हीं को, उसी में ही संतुष्टि है. जैसे ज़्यादा ना कमाना, ना ज़्यादा कुछ सोर्सेस करना, ना ज़्यादा मेहनत करना, जो मिल रहा है उसमें सेटिस्फाइड होते हैं. दे कैन बी कॉल्ड सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ. ऐसे लोग ही सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में. टाइप सी पर्सनैलिटी. द इंडिविजुअल विद दीज टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी हैव प्लीजिंग एंड अपीजिंग नेचर. ऐसे लोग जो होते हैं खुश भी होते हैं और अपीजिंग नेचर वाले भी होते हैं. दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस देयर इमोशन स्पेशली एंजर. ऐसे लोग अपने गुस्से को नहीं दिखा पाते हैं. दे आर एबल टू सप्रेस देयर इमोशन एफिशिएंटली. दे आर लेथरिक फेसिव होपलेस एंड पेसिमिस्टिक. ऐसे लोग जो होते हैं सुस्ती वाले लोग होते हैं, होपलेस होते हैं, पेसिमिस्टिक होते हैं, निराशावादी होते हैं. समटाइम दे आर इवन दे डिनाई देयर ओन नीड. जो अपनी नीड्स होती है वो भी डिनाई कर देते हैं. दे फील अनोन एंड देयर लोनलीनेस बिगन एट एन अर्ली एज. ये जल्द ही अर्ली एज में अपने आप को अकेला कर लेते हैं. दे हैव सच बिहेवियर पैटर्न विच में एनचांस दे रिस्क ऑफ. ऐसे लोगों को ज़्यादातर रिस्क किसका रहता है, कैंसर का. टाइप डी पर्सनैलिटी. द इंडिविजुअल विच दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी यूजली सफर फ्रॉम हाई डिग्री ऑफ डिस्ट्रेस. दे वेजेंसली सुप्रेस देयर फीलिंग. सच पीपल डोंट शेयर देयर इमोशन विद देयर अदर पर्सन बिकॉज दे हैव फियर टू रिजेक्शन ऑफ डिसअप्रूवल. ऐसे लोग जो होते हैं वो सफर फ्रॉम हाई डिग्री डिस्ट्रेस से गुजरते हैं. ऐसे लोग अपने इमोशंस को नहीं बताते ताकि कि दूसरे जो अदर पर्सन है वो इनके इमोशंस का मजाक ना उड़ाए. इसलिए वो इन चीज़ों को बताने से डरते हैं, शेयर करने से डरते हैं. बिकॉज देयर ऑलवेज हैव अ फियर रिजेक्शन ऑफ डिसअप्रूवल. इनका रिजेक्शन डिसअप्रूवल नहीं हो जाए. सच इंडिविजुअल आर यूजली प्रोन टू हार्ट. इनमें ऐसे लोग जो होते हैं वो हार्ट पेशेंट हो जाते हैं. दे आर सस्पेक्टिवली टू हाई ब्लड प्रेशर, इन्फ्लेमेशन और डिप्रेशन. ऐसे लोग जो होते हैं हाई ब्लड प्रेशर से ग्रस्त होते हैं, सूजन आ जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं. दे हैव ग्रेट रिस्क ऑफ प्रीमैच्योर डेथ. ऐसे लोगों को प्रीमैच्योर डेथ में मरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. दे यूजुअली लीड अ पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ. ऐसे लोग जो होते हैं पुअर क्वालिटी जीवन जीते हैं. नेक्स्ट पेज, ट्रेट्स एंड शेल्डन जंग्स क्लासिफिकेशन एंड बिग फाइव थ्योरीज. तीन थ्योरी जो शेल्डन ने दी थी, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ. क्लासिफिकेशन डब्ल्यू एस शेल्डन क्लासिफाइड पर्सनैलिटी इंडिविजुअल हुज आज कैटेगरीज आर. एंडोमॉर्फ जो पर्सनैलिटी होती है, फर्स्ट पार्ट में एग्जांपल में दे रखा है, एक जो हेल्थी सा पर्सन, ये ऐसी होती है जो शॉर्ट आर्म और शॉर्ट लेग्स होते हैं. जो छोटे लोग होते हैं उनकी जो फिजिक्स होती है राउंड टाइप की होती है. ऐसे लोग किस चीज़ में पार्टिसिपेट ले सकते हैं? दे हैव अ हाई कैपेसिटी ऑफ हाई फैट स्टोरेज एंड बिकम फैट इजली. ऐसे लोग जो फैटी लोग होते हैं वो किस चीज़ में पार्टिसिपेट ले सकते हैं? जैसे कि वेट लिफ्टिंग में ले सकते हैं, पावर लिफ्टिंग में ले सकते हैं. ऐसे लोगों को बोलते हैं दे हैव अ पियर शेप बॉडी. नेक्स्ट है मेसोमॉर्फ बॉडी. मेसोमॉर्फ बॉडी की जो पर्सनैलिटी होती है वो टू टाइप्स की होती है, डिस्क्राइब मस्कुलर टाइप की होती है, एथलेटिक फिजिक्स होती है, बैलेंस बॉडी कॉम्पिशन टाइप का इनके बॉडी का वेट होता है, बॉडी का पॉस्चर होता है. दे आर एबल टू इंक्रीज देयर मसल्स साइज क्विकली एंड ईजिली. ये अपनी मसल्स की साइज को क्विकली ईजिली बढ़ा सकते हैं. रेक्टेंगुलर शेप बॉडी होती है. दे हैव थिक बोन्स एंड मसल्स होते हैं. ऐसे लोगों को किस चीज़ में पार्टिसिपेट करा सकते हैं? जैसे कि अपन दे हैव कैन एक्सेल सच स्पोर्ट्स रिक्वायर ग्रेट स्ट्रेंथ, शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी, लॉट्स ऑफ पावर्स बिकॉज हैव देयर मिनिमम स्ट्रेंथ एग्रिलिटी एंड स्पीड्स. दे गेट अ स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स पर्सन इन एनी स्पोर्ट्स. इन ऐसे लोगों को आप किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट के लिए ले सकते हैं. नेक्स्ट एक्टोमॉर्फ. एक्टोमॉर्फ बॉडी जो होती है बिल्कुल पतली सी होती है, लंबी हाइट के होते हैं लोग. इनको ज़्यादातर किस चीज़ में पार्ट, एक्टोमॉर्फ बॉडी को स्लिम टाइप की पर्सन होती है. मसल्स और लिम्स आर एलोंगेटेड, बहुत लंबे लंबे मसल्स होती है, लंबे लिम्स भी बड़े होते हैं. दे हैव वीक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी एज विजुअली फेस ग्रेट डिफिकल्टीज इन गेनिंग वेट. ऐसे लोग वीक बॉडी वाले होते हैं और ये लोग अपने वेट को डिफिकल्टीज फेस करते हैं वेट को बढ़ाने में. दे हैव फ्लैट चेस्ट होता है, लेस मसल्स होता है मास. ऐसे लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए किसमें? एरोबिक एक्टिविटीज लाइक जिमनास्टिक में करा सकते हैं या फिर एथलेटिक्स में करा सकते हैं. इनकी एंड्योरेंस पावर एक्टिविटीज अच्छी होती है. थैंक यू.